देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा संकट है कोरोना महामारी, जिसने शहरों के बड़े बड़े अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी का संकट सिर्फ शहरों तक सीमित है या फिर ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे ही हाल है। शहरों की तस्वीरें आप हर दिन टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अखबार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप स्थिति के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, गाँवों की स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है। कुछ केस स्टडीज के साथ गाँवों के वास्तविक हालात पर तैयार की गई चौंकाने वाली इस रिपोर्ट को देखिए। प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमें पहुंचेंगी और उनको देखभाल करेंगी, उनकी चेकिंग करेंगी। कई जगहों पर कुछ अलग ही तरह की तैयारी दिख रही है। ये तस्वीर चित्रकूट जिले की है, जहां प्रशासन ने अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ किया है। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने करीब 50 गाड़ियों को जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। इन गाड़ियों में मौजूद टीमें न सिर्फ बीमारी से अनजान लोगों की जांच करेंगी, बल्कि कोरोना महामारी से बचने के उपाय भी बताएंगी। जिन्हें होम आइसोलेशन की जरूरत है, उन्हें दवा देकर होम आइसोलेशन की जानकारी भी देंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ केसेस दिखाई दिए हैं, तो उनको भी हम जो है ट्रेस करें और उसको फिर ट्रैक करके ट्रीट करें। ये जो अप्रोच है साधन का, तो उसी के तहत हम गांव गांव आप जा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान करके उनको दवा देके ताकि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए। अब चित्रकूट के हर गांव तक प्रशासन की टीम पहुंचेगी। यही टीम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा गांव के हर घर में बांटेगी। मुमकिन है कि इससे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। गांव के लोगों का उनकी देख रेख हो जाए, उनका चेकिंग हो जाए और उनको दवा भी मिल जाए और कोई छूटने ना पाए, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा अभियान है और इससे हमारे गाँव के लगभग प्रत्येक व्यक्ति सुपरविजन में आ जाएंगे। कोरोना महामारी ने गांव तक पैर जमा लिया है, इसलिए वक्त की मांग है कि प्रशासनिक अमले का फोकस शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी हो। हालांकि इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन कोरोना से राहत पाना है तो हर चुनौती के लिए कमर कसना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारे बड़े कई जगहों पर कुछ अलग ही तरह की तैयारी दिख रही है। ये तस्वीर चित्रकूट जिले की है, जहां प्रशासन ने अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ किया है। प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने करीब 50 गाड़ियों को जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। इन गाड़ियों में मौजूद टीमें न सिर्फ बीमारी से अनजान लोगों की जांच करेंगी, बल्कि कोरोना महामारी से बचने के उपाय भी बताएंगी। जिन्हें होम आइसोलेशन की जरूरत है, उन्हें दवा देकर होम आइसोलेशन की जानकारी भी देंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ केसेस दिखाई दिए हैं, तो उनको भी हम जो है ट्रेस करें और उसको फिर ट्रैक करके ट्रीट करें। ये जो अप्रोच है साधन का, तो उसी के तहत हम गांव गांव आप जा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान करके उनको दवा देके ताकि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाए। अब चित्रकूट के हर गांव तक प्रशासन की टीम पहुंचेगी। यही टीम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा गांव के हर घर में बांटेगी। मुमकिन है कि इससे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। गांव के लोगों का उनकी देख रेख हो जाए, उनका चेकिंग हो जाए और उनको दवा भी मिल जाए और कोई छूटने ना पाए, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा अभियान है और इससे हमारे गाँव के लगभग प्रत्येक व्यक्ति सुपरविजन में आ जाएंगे।
कोरोना महामारी ने गांव तक पैर जमा लिया है, इसलिए वक्त की मांग है कि प्रशासनिक अमले का फोकस शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी हो। हालांकि इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन कोरोना से राहत पाना है तो हर चुनौती के लिए कमर कसना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।